एच लुकअप, इसे हॉरिजॉन्टल लुकअप भी कहते हैं। यह फंक्शन कॉलम हेडिंग में यूजर द्वारा दिए गए स्पेसिफाइड आइटम को सर्च करता है। जब आइटम सर्च हो जाता है तो उस कॉलम में या सेल कॉलम में वह सेल सर्च करता है जहां उसे वैल्यू लेना है। चलिए इसे एग्जांपल से समझते हैं। आप यहां एक टेबल को देख सकते हैं जिसमें पहला कॉलम नेम का है, जिसमें सुरेश, मोहन, सोहन, रोहन, रिंकी है। दूसरा जो है मंथ वाला कॉलम है, जनवरी मंथ का है। तीसरा कॉलम मेरा फरवरी मंथ का है और चौथा कॉलम मेरा मार्च मंथ का है। यहाँ पर जो यूजर द्वारा वैल्यू इनपुट करना है वो आप देख सकते हैं F10 और F11 में यूजर द्वारा एंट्री होगा। टाइप ऑफ वन टू लुक फॉर, ये मंथ का टाइप है। और विच रो नीड्स टू बी पिक्ड अप, आपको कौन सा रो जो पिकअप करना है वो वैल्यू ये है। अब चलिए जो वैल्यू मेरा डिस्प्ले हो रहा है वो 40 हो रहा है, जिसका फॉर्मूला मेरा यहाँ है। इस फॉर्मूला को देखते हैं, इस फॉर्मूला में क्या कह रहा है। एच लुकअप F10 सिंटेक्स में देखिएगा तो इज इक्वल टू एच लुकअप आइटम टू फाइंड, ये वो आइटम है F10, ये वो आइटम है जो रेंज से फाइंड करना है। रेंज मेरा क्या होगा यहाँ, D3 से F8, यानी कि D3 3 से F8, D3 से F8 से फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, D3 है, यहाँ से हमको F10 का वैल्यू फाइंड करनी है जो कि फरवरी है। इसमें से वो फरवरी को फाइंड करेगा कॉमा F11, चौथा रो का वैल्यू को फाइंड करना है इसको। फरवरी में चौथा रो के वैल्यू को फाइंड करेगा, ये पहला रो हो गया, ये दूसरा रो हो गया, ये तीसरा रो हो गया और ये चौथा रो हो गया। तो चौथा रो में ये 40 है। मैनुअली आप देख सकते हैं कि पहले जो है यहाँ से यहाँ मेरा रेंज था, उसमें फरवरी यहाँ है और कॉलम में चौथा रो 40 है, इसलिए यहाँ 40 डिस्प्ले हुआ। यहाँ पर जीरो होने का मतलब है कि एग्जैक्ट मैच, अगर जीरो है तो वो वैल्यू किसी वैल्यू से जो मैच हो रहा है में TCH एग्जैक्ट मैच हो रहा है। यदि वन होगा तो ऐसा नहीं होगा और रिजल्ट मेरा डिफरेंट हो गया। सेकेंड वाले एग्जाम्पल में दो चीज एंट्री किया जा रहा है। यहाँ पर जो है मंथ था ऊपर में और दूसरे में था रो का नंबर था, लेकिन यहाँ पर जो है मंथ तो है लेकिन यहाँ नेम एंट्री किया गया है जो कि इस टेबल में यहाँ। अब देखते हैं फॉर्मूला इसका क्या कहता है। इक्वल टू एच लुकअप F15, F15 मेरा ये है, F15 मेरा ये है
ये रेंज है मेरा C3 से F15। C मेरा ये है जो कि यहाँ से लेकर, इसको मैं कलर चेंज करूँगा यहाँ पे, मान लो लिया जाए ये कलर लेता हूँ, ये C3 से C8 यहाँ तक, ये रेंज हो गया मेरा यहाँ तक। इसमें से ये सर्च करेगा F15 को, ये फरवरी मंथ को निकालेगा, मतलब ये कॉलम को सर्च करेगा, ये कॉलम में सर्च करना है। अब इसको मैच क्या करेगा, F16, F16 जो कि सोहन है, किस रेंज में, C3 से C8 वाले रेंज में, C3 से C8 वाले रेंज में मैच करेगा। और C3 का आप देखिए, C3 से यहाँ से लेकर यहाँ वाले रेंज में क्या खोजेगा, खोजेगा मेरे सुमन को खोजेगा, तो ये सुमन हो गया। एक फरवरी मेरा मिल गया और दूसरा सुहन मिल गया। और यदि यहाँ दोनों से देखा जाए तो ये रिजल्ट जो है मेरा यहाँ फिर 40 डिस्प्ले करेगा, वही ये हॉरिजेंटल लुकअप यहाँ कर रहा है। और यहाँ भी जीरो का वही मतलब है, एग्जैक्ट मैच यहाँ मतलब है, एग्जैक्ट मैच होगा, MATCH मैच। अब यहाँ देखिए फिर से, यह फंक्शन कॉलम हेडिंग में यूजर द्वारा दिए गए स्पेसिफाइड आइटम को सर्च करता है, ये कॉलम द्वारा दिए गए जो कि फरवरी था, स्पेसिफाइड आइटम को सर्च किया, यहाँ सर्च किया गया। अब दोनों एग्जाम्पल में यहाँ देख सकते हैं, जब आइटम सर्च हो जाता है तो उस कॉलम में वह सेल सर्च करता है। फरवरी मेरा सर्च हो गया, चूंकि यहाँ चौथा सेल था, चौथा नंबर सेल था, तो ये चौथा नंबर सेल में गया और यहाँ का वैल्यू जो है वो डिस्प्ले किया। वही दूसरे वाले एग्जाम्पल में भी फरवरी चूज किया, अब जो है कॉलम में जो नेम वाला कॉलम था उसमें जो है वैल्यू, उसने सोहन सर्च किया और सोहन और फरवरी के कॉम्बिनेशन से जो रिजल्ट आया, यहाँ भी ये 40 आता है। ये तो ये था। अब सिंटेक्स वाले में देखिए, सिंटेक्स वाले में भी आप देख सकते हैं, एच लुकअप आइटम टू फाइंड, वो आइटम जो फाइंड करना है, रेंज टू लुक इन, वो रेंज जिसमें से वो फाइंड करना है, कॉमा रो टू पिक फ्रॉम, कौन सा रो होगा जो जिससे उसको पिक करना है, ये रो या तो न्यूमेरिकल एंट्री द्वारा हो सकता है या फिर यहाँ आप देख सकते हैं मैच फॉर्मूला लगाकर भी हो सकता है। द आइटम्स टू फाइंड इज सिंगल आइटम स्पेसिफाइड बाय द यूजर्स, ओके। द रेंज टू लुक इन इज द रेंज ऑफ डाटा विद द कॉलम हेडिंग एट द टॉप, ओके। द रो टू पिक फ्रॉम टू हाउ फार डाउन द कॉलम फंक्शन शुड लुक पिक फ्रॉम। चलिए ये सारे के सारे क्लियर हैं। अब आशा करता हूँ कि आप लोग एच लुकअप समझ गए होंगे। थैंक यू।